फिल्म में ऐसे भी हैं जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। उन्हीं में से एक कंगना रनौत की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये फिल्म अप्रैल महीने में रिलीज की जाएगी, लेकिन फिल्म का काम बाकी होने के कारण फिल्म 3 अगस्त के लिए टाल दी गई है। आपको झटका लग सकता है ये जानकर कि मणिकर्णिका फिल्म अगस्त महीने में भी रिलीज नहीं हो रही। मेकर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में वे बताएंगे कि फिल्म किस दिन रिलीज की जाएगी। दरअसल फिल्म में VFX का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर किया गया है, जिसका अभी बहुत सा काम बचा हुआ है। जल्दी फिल्म की शूटिंग राजस्थान बीकानेर में शुरू होनी है और महीने के अंत तक खत्म कर दी जाएगी। फिल्म में कंगना रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा सोनू सूद, सदाशिव और अंकिता लोखंडे छलकारी बाई की भूमिका निभा रही हैं। पद्मावत की तरह मणिकर्णिका फिल्म का विरोध भी किया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण महासभा का कहना है कि फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है। ऐसे में देखते हैं आगे चलकर कंगना को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NMF News।